नमस्कार, मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल करिश्मा कौशिक पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की। ये जो पूर्णिमा होती है, ये कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि यानी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर लगती है। अब इस तिथि का महत्व बहुत अधिक माना गया है। अगर पुरानी कथाओं के अनुसार बात करें या शास्त्रों के अनुसार इस चीज को देखा जाए तो इस तिथि का महत्व बहुत अधिक माना गया है। इस दिन यदि आप किसी भी तरह का दान करते हैं तो इस दिन आपको वो दान जो है दुगना लगता है, यानी कोई भी चीज अगर आप दान करेंगे तो उसका पुण्य आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो तिथि होती है इस दिन दान, स्नान और ध्यान का ही सबसे अधिक महत्व माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि हर एक पूर्णिमा का अपना महत्व होता है। हर महीने में एक पूर्णिमा आती है तो साल में 12 पूर्णिमाएं आती हैं, और इन 12 पूर्णिमाओं का अपना ही एक महत्व है। उसी तरह से कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षस नामक जो राक्षस था उसका वध किया था। तो कहीं ना कहीं इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, और कार्तिक, अगर हम नाम देखें तो भगवान कार्तिकेय की भी पूजा आराधना की जाती है। अब भगवान कार्तिकेय जो हैं, ये दक्षिण दिशा के, जो दक्षिण दिशा होती है उसके स्वामी माने जाते हैं। यानी हमारे अगर वास्तु की हम बात करें तो दक्षिण दिशा के कार्तिक भगवान स्वामी माने जाते हैं। तो इसीलिए इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा आराधना करना बहुत ही खास होता है, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बहुत खास समय होता है जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि स्कंद भगवान इनको कहा जाता है और स्कंद माता यानी माता पार्वती को कहा जाता है। तो इस दिन अगर आप यानी कार्तिक पूर्णिमा पे माता स्कंद की पूजा करते हैं, भगवान स्कंद की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में काफी हद तक बदलाव आते हैं और संतान प्राप्ति भी आपको शीघ्र ही होती है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि है तो अगर हम डेट की बात करें तो 30 नवंबर 2020 की डेट रहेगी, और जो दिन रहेगा वो सोमवार का रहेगा। अब देखिए, ये जो चीज है ये इस तिथि को और भी खास बना देती है, क्योंकि सोमवार का दिन यानी सोम, चंद्रमा का दिन, भगवान शिव का दिन, और इस दिन जो पड़ रही है तिथि वो कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है, यानी इस दिन चंद्रमा की आप उपासना करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन पे जिस चीज की उपासना करते हैं उसका आपको और भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप चंद्रमा की उपासना जरूर करें। अगर आपको मानसिक तनाव बहुत रहता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होता है, तो आप चंद्रमा की आराधना जरूर करें। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कामों में रुकावटें आपको आती हैं, तो भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से आपके जीवन में हर तरह की बाधाओं से आप मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। इसके अलावा इस दिन दान करने का भी महत्व है, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया। तो इस दिन आप गौशाला में, चाहे तो आप दक्षिणा दान करें या गौ माता के लिए आप चारा दान करें, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं बल्कि आप कोई भी वस्तु अगर किसी भी व्यक्ति को दान करते हैं तो इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती ही होती है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा की आराधना जरूर करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें, ऐसा करने से आपको लाभ शीघ्र ही प्राप्त होगा। तो और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल अपने YouTube चैनल करिश्मा कौशिक पे, तो इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरा YouTube चैनल। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।